मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज महानवमी है। सुबह से मंदिरों में पूजा पाठ और हवन भंडारे शुरू हो गए थे। यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने कन्या पूजन किया। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी मंदिर पहुंचे। पीतल की परात में कन्याओं के पैर धोए, तिलक लगाया, चुनरी भेंट की और अपने हाथों से उपहार दिया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में महानवमी के मौके पर सीएम योगी ने कुछ इस तरह से सुबह सुबह कन्या पूजन किया। एक साथ कन्याओं को बैठाकर योगी ने धूप से आरती उतारी और भोजन कराया। उधर देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने अपने घर पर कन्या पूजन का आयोजन किया। पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन करने के बाद खाना खिलाया। कुछ यही अंदाज दिखा मध्य प्रदेश में। भोपाल के सीएम निवास में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कन्या पूजन किया। राजस्थान के सीएम भजन लाल नवमी के मौके पर गृह क्षेत्र भरतपुर पहुंचे और कैला देवी मंदिर में पूजा कर देवी का आशीर्वाद लिया। महानवमी के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अपने गृह क्षेत्र के दौरे पर रहे और बिलासपुर में उन्होंने नैना देवी मंदिर में पूजा की। और बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के मौके पर राजधानी ढाका में हजारों की संख्या में हिंदुओं ने एक जगह पर जुटकर एक साथ शक्ति की साधना की। महानवमी पर कन्या पूजन और शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की उपासना की ये तस्वीरें पड़ोसी बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आई। नवरात्र के आखिरी दिन ढाका के रामकृष्ण मिशन में एक साथ 20,000 से ज्यादा हिंदुओं ने मिलकर कन्या पूजन और दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया। रामकृष्ण मिशन का ये मठ बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पुराने इलाके में मौजूद है, जहां हर साल नवरात्र के मौके पर भव्य दुर्गा पूजा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हालांकि हर साल मिशन के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं, लेकिन इस बार दुर्गा पूजा में कट्टरपंथियों की खलल के चलते पूजा पांडालों की बजाय लोग रामकृष्ण मिशन में ही देवी दुर्गा पूजा मना रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में देवी भक्तों का दिल दुखाने वाली एक घटना भी हुई। ढाका के जशोरेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर से मां काली का मुकुट चोरी हो गया है। 3.5 साल पुरानी ये तस्वीरें उस वक्त की हैं, जब बांग्लादेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जशोरेश्वरी शक्तिपीठ गए और मां काली का ये मुकुट समर्पित किया था। माता काली के मस्तक पर विराजमान वही मुकुट अब बांग्लादेश के जशोरेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर से चोरी हो गया है। ढाका से आई इस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है कि चोर कैसे दबे पांव मंदिर में दाखिल हुआ, काली मां के सिर से मुकुट निकाला, उसे कपड़े में छिपाया और चलता रहा। बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार अब प्राचीन शक्तिपीठ में पड़ोसी देश से मिले तोहफे को भी सहेजने में भी नाकाम साबित हो रही है। मंदिर से माता के सिर पर पहनाए गए मुकुट चोरी की इस घटना पर ढाका में भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश की सरकार से ये कहते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है कि हमने 2021 में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी द्वारा जशोरेश्वरी काली मंदिर को उपहार में दिए गए मुकुट चोरी की खबरें देखी हैं। हम गहरी चिंता व्यक्त करते हैं और बांग्लादेश सरकार से चोरी की जांच करने, मुकुट बरामद करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। बांग्लादेश का जशोरेश्वरी काली मंदिर उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जिनकी हिंदू धर्म में विशेष मान्यता है और काली मां में बांग्ला हिंदू समुदाय की गहरी आस्था है। हैदराबाद के पूजा पंडाल में तोड़फोड़ करने वालों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ये तोड़फोड़ गुरुवार की रात को हुई थी। तोड़फोड़ के बाद तनाव का माहौल पैदा हो गया था। सड़क पर हंगामे और चक्का जाम करते ये लोग हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता हैं, जो दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें हैदराबाद से सामने आई
जहां एक दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की घटना के बाद गुस्सा भड़का तो लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुरुवार की रात तक हैदराबाद के एग्जीबिशन ग्राउंड के इस दुर्गा पंडाल में सब कुछ ठीक था, लेकिन सुबह की तस्वीर देख लोग हैरान थे। नवरात्रि की सुबह हैदराबाद के इस एग्जीबिशन ग्राउंड में हड़कंप मच गया जब श्रद्धालुओं ने देखा कि यहां पर माता के मूर्ति के पास कुछ अव्यवस्था है, कुछ पूजा सामग्री के साथ छेड़छाड़ की गई है और मूर्ति के कुछ हिस्सों में क्रैक्स और टूट फूट भी हुई है। पंडाल में तोड़फोड़ की खबर मिलने पर चर्चित बीजेपी नेता माधवी लता भी एग्जीबिशन ग्राउंड पहुंची और पूजा पंडाल में तोड़फोड़ करने वालों को चेतावनी दे डाली। उस जमाना गया है जब आप जो भी समझते हैं कि हमारे भगवान के प्रति दूषण करना या मूर्तियों के ऊपर हाथ लगाने पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब के बार वो हाथ कटेंगे जो हाथ आगे बढ़े हैं। हमलावरों ने पंडाल में घुसने से पहले बिजली सप्लाई रोक दी थी और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ डाले, इसीलिए अब तक दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान नहीं हो पाई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।